सृष्टि के संहारक जिन्हें शिवजी ने स्वयं समकक्ष में स्थान दिया, संपत्ति पूंजी खजांची के रूप में जाना जाता है, धन सुख समृद्धि के रक्षक कुबेर भंडारी को शत शत नमन। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, पापों के तपों का हरण करने वाली माँ नर्मदा के चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम। श्री कुबेर भंडारी का मंदिर माता रेवा नदी के पवित्र तट पर स्थापित है। बडोदा के करनाड़ी में महादेव साक्षात कुबेर भंडारी के नाम से विराजित है। संपूर्ण मंदिर के गुंबज में कांच की नक्काशी की गई है। विभिन्न रंगों से कांच चित्रकारी से भगवान के रूपों को सुसज्जित किया गया है। मंदिर में सभी भगवान के चित्रों को दर्शाया गया है। दीवारों पर की गई कलाकृति मंदिर के इतिहास को बयां करती है। कुबेर भंडारी से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां हैं। बात उस समय की है जब सृष्टि के सर्वदेव जी के प्रपौत्र कुबेर थे। जब वे बड़े हुए, उनके दादा पुलत्स्य ने गद्दी सहित संपूर्ण राजभर सौंप दिया। रावण को यह बात रास नहीं आई। राजपाट पाने के लिए घोर तप किया। रावण की तपस्या से देवाधिदेव महादेव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। भोलेनाथ के वरदान से रावण ने श्री कुबेर को परास्त कर कुबेर भंडारी से सारी संपत्ति छीन ली। ऐसी परिस्थिति में नारद मुनि ने श्री कुबेर भंडारी को करनाड़ी जाकर तप करने की सलाह दी। तत्पश्चात कठोर तप करके श्री कुबेर ने महादेव को प्रसन्न कर लिया और कुबेर भंडारी को स्वर्ग की समग्र संपत्ति का खजांची बना दिया। श्री कुबेर भंडारी की पूंजी भंडारी के स्वरूप पूजा की जाने लगी। अहंकारी रावण पुष्पक विमान लेकर कुबेर भंडारी के पीछे गए। ऐसी परिस्थिति में श्री कुबेर ने विघ्नेश्वरी माता अम्बा की आराधना करते हुए माता ने उनका रक्षण किया। इसलिए आज भी कुबेर भंडारी मंदिर में माता अम्बा की प्रतिमा को एक अलग स्थान दिया गया है। कुबेर मंदिर की विशेषता कहा जाए या महत्व, लेकिन मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही परम शांति का अनुभव होता है। महादेव के वरदान से श्री कुबेर भंडारी की पूजा आज पूरे विश्व में की जाती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। भक्तों की ऐसी मान्यता है, पांच अमावस निरंतर मंदिर में दर्शन करने से कुबेर भंडारी के स्वरूप में विराजित भोलेनाथ और माँ जगदम्बा की कृपा से सभी मन्नतें पूर्ण होती है। सदियों से चली आ रही एक प्रथा आज भी प्रचलित है। जैसे मंदिर की पूजा हो, नए कार्य का उद्घाटन हो या अन्य शुभ कार्य, सभी के अंत में मंत्र पुष्पांजलि में श्री कुबेर भंडारी का नाम अवश्य लिया जाता है। ये रावण के भाई हैं कुबेर भंडारी। बहुत पुराना मंदिर है, सब लोग यहाँ पर आते हैं। अमावस को ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। अमावस को यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पर। मंदिर में एक दिव्य शिवलिंग भी स्थापित है। कुबेर भंडारी के साथ शिवलिंग की पूजा की जाती है। जब कुबेर भंडारी को आभूषण और गहनों से सुसज्जित किया जाता है, मनमोहक प्रतिमा भक्तों का ध्यान केंद्रित करती है। आने वाले सभी दर्शनार्थी सुख समृद्धि की मनोकामना करते हैं। मंदिर के परिसर में एक पीपल का वृक्ष है। वृक्ष की परिक्रमा करना अनिवार्य है। परिसर के गुंबज में लगे विशाल झूमर की रोशनी से मंदिर झगमगा उठता है। मान्यता है जो भी भक्त मंदिर से सुपारी, सिक्के और चावल की भेंट अपने घर लेकर जाते हैं, उनके घर कभी भी धन के भंडार की कमी नहीं होती। श्री कुबेर भंडारी घर की पूंजी को हरा भरा रखते हैं। आज भी जो भक्त सच्ची निष्ठा भक्ति भाव से पांच अमावस दर्शन करने आते हैं, उनके घर कुबेर का भंडार हमेशा भरा रहता है। श्रद्धालुओं को मंदिर के परिसर में नर्देश्वर महादेव, रणछोड़ राय जी और संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। यज्ञ के लिए मंदिर में यज्ञ कुंड का निर्माण किया गया है। कुबेरेश्वर भंडारी की शरण में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए मंदिर द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है। रेवा नदी के तट पर अनेकों पौराणिक मंदिर स्थापित है। सभी मंदिर से कई इतिहास और पौराणिक कहानियां जुड़ी है। यहां आने वाला हर भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। श्री कुबेर भंडारी निस्वार्थ मन से पूजा करने वालों की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखते रहिए ओटीटी इंडिया टीवी, रग रग में हिंदुस्तान।